हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम बीन्स आलू की सब्जी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छी और फ्रेश बीन्स अवेलेबल है, तो ये आपको आसानी से मिल भी जाएगी। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, गैस को ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और तेल को गरम होने देंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 2 चुटकी हींग डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें अपनी ये कटी हुई बीन्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो बीन्स को काट के लिया है। कटे हुए आलू डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू काट के लिए हैं। 1 छोटी चम्मच जिंजर चिली पेस्ट डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी में मैं प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप प्याज लहसुन इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको ढक देंगे और मीडियम लो गैस पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हम इसको मीडियम लो गैस पे पका रहे हैं। पानी डालने से सब्जी थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है, अच्छी नहीं बनती है, स्वाद बिगड़ जाता है, इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं हमारी सब्जी को पकते हुए। अब हम इसे एक बार चला लेंगे और अभी आप देख सकते हैं कि अभी सब्ज़ी को पकने में थोड़ा टाइम है, आलू गलने में भी थोड़ी कसर बाकी है और क्योंकि फली टाइट होती है इसीलिए उसको भी गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम वापस से इसको ढक देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम लो गैस पे दोबारा से इसको पकने देंगे। बीच बीच में चलाते भी रहें जिससे कि हमारी सब्ज़ी तले में ना लगे। हमारी सब्ज़ी पक गई है। अब हम इसमें ऊपर से ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने कद्दूकस करके लिए हैं, उन्हें डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। टमाटर सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और सब्ज़ी अच्छे से भुन जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे गार्निशिंग के लिए। हमारी टेस्टी और सिंपल बीन्स आलू की सब्जी तैयार है। आप इसे पूड़ी, पराठे, दाल चावल के साथ परोसिए, बच्चों को टिफिन में पैक करके दीजिए। इतनी बीन्स आलू की सब्जी घर के 4 से 5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।